हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया सिग्नेचर डिशेस। आज आपके साथ लौकी का एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे लौकी में 92% पानी होता है, वो रिच सोर्स विटामिन सी का, के का, और उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट के लिए बहुत ही गुणकारी है, और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो दिखा रही हूँ वो खाने से आपके ये जो मैंने बेनिफिट्स बताए वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये। तो फ्रेंड्स, अभी एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे हरी मिर्चियाँ और लहसुन की एक दो कलियाँ, और उसी के साथ डालेंगे इसमें करी लीव्स, वो है करी पत्ते। और देखिए, ये है लौकी की ऊपर की स्किन, जिसको हम पील बोलते हैं, वो हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें बहुत भारी मात्रा में इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं। ये सब अच्छी तरह से पैन में डाल के इसको पहले ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि पानी का जो भी अंश होता है वो निकालने के लिए ड्राई रोस्ट करें। बाद में इसमें ड्राई रोस्ट होने के बाद इसमें थोड़ा जीरा डालें और उसी के साथ इसमें डालें तेल, और इसको रोस्ट करेंगे हम एक 3 से 4 मिनटों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी मिर्ची ने, लहसुन ने ऐसे कलर बदल दिया है, यानी इसकी स्किन सॉफ्ट हो गई है। यही इंडिकेशन है कि ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अभी हम ये सब निकाल के इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। पैन का मिश्रण हो गया है ठंडा। ठंडा होने के बाद ही इसको मिक्सी में डालें और उसी के साथ इसमें डालेंगे शक्कर या गुड़ और स्वादानुसार नमक डाल के इसको एक ग्राइंड दे देंगे। फ्रेंड्स, ग्राइंड हो जाने के बाद इसमें कोकोनट पाउडर भी डालना है, मैं भूल गई थी, इसलिए ग्राइंड होने के बाद फिर से इसमें मैंने कोकोनट का पाउडर डाला है। ये डालने के बाद एक बार फिर से ग्राइंड करके ये चटनी आप सर्व कर सकते हो, गरम गरम चपाती के साथ, गरम गरम राइस के साथ, या ब्रेड पे भी ये चटनी आप दे सकते हो। ये चटनी सूखी ही बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको इस पे तेल डालना हो या कर्ड डालना हो तो आप डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये झटपट और बहुत ही गुणकारी चटनी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करें और ऑल ऑप्शन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट कुकिंग अपडेट्स आप तक पहुँच जाए। बाय बाय।